हेलो, दिस इज इंदरजीत। वेलकम यू टू द लास्ट रिव्यू। तो दोस्तों, समय हो चुका है वीकली वॉच लिस्ट का। तो जो भी कंटेंट आने वाले हफ्ते में, कल से लेकर अगले सैटरडे तक आने वाला है, वो मैं सब आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। सो यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर एल्स एंड सर्च द कंटेंट, वेदर दैट इज कमिंग ऑन OTT, इन थिएटर्स, वेब सीरीज, मूवीज, वो सब आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो बिल्कुल भी देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इस हफ्ते की वॉच लिस्ट के साथ गाइस। और यहाँ पर इकलौती सीरीज आ रही है प्राइम वीडियो के फैंस के लिए, मतलब मेरे जैसों के लिए, क्योंकि मैं भी प्राइम वीडियो का बहुत बड़ा फैन हूँ। मतलब मुझे सब OTT प्लेटफॉर्म्स में से अगर मैं हिंदी कंटेंट की बात करूँ, देन प्राइम वीडियो ही सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि उसके चेक्स काफ़ी अच्छे होते हैं, मेजोरिटी ऑफ द कंटेंट उनका अच्छा होता है। तो जो इस हफ्ते सीरीज आ रही है प्राइम वीडियो के ऊपर, दैट इज मुंबई डायरीज 26/11। सो मुंबई अटैक जो हुआ था, ताज हमला जो हुआ था 26/11 में, उसके ऊपर ये सीरीज बनी है, जिसे बनाया है निखिल अडवाणी ने, क्रिएटर है वो एंड को डायरेक्टर भी हैं, और उनके साथ इसे डायरेक्ट किया है निखिल गोंसाल्वस ने। सो गाइस, मुंबई डायरीज 26/11 इज कमिंग दिस थर्सडे। जी हाँ, थर्सडे 9 तारीख को आ रही है प्राइम वीडियो के ऊपर। और यहाँ पर स्पेशल क्या मिलने वाला है आपको, क्योंकि 26/11 के ऊपर बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी बन चुका है, बट इस बार वो डॉक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू आपको दिखाएंगे कि डॉक्टर्स जो भी आसपास का सामान्य हॉस्पिटल था, वहाँ पर जो हालात थे, फिर डॉक्टर्स के ऊपर क्या प्रेशर था, डॉक्टर्स ने किस तरह से हैंडल की वो सिचुएशन, क्योंकि उनके पास टेररिस्ट भी थे इलाज करने के लिए, और उनके पास सिविलियंस भी थे जो मर रहे थे या जो चोटिल थे वहाँ पर, तो डॉक्टर्स के पास क्या सिचुएशन थी, ये यहाँ पर अच्छे से दिखाया गया। स्टार कास्ट की बात करूँ तो यहाँ पर मोहित रैना, कोंकण सेन शर्मा, श्रेया धनवंतरी, प्रकाश बेलावड़ी और भी एक दो जाने माने चेहरे आपको देखने को मिलेंगे। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर मुंबई डायरीज 26/11 गाइस। सो इसके बाद लिस्ट में बचती है सारी मूवीज, और अगर सबसे बड़ी मूवी की बात करूँ, दैट इज थलाइवी, स्टारिंग कंगना रनौत एंड अरविंद स्वामी। कंगना रनौत थलाइवी यानी कि जयललिता जी के करेक्टर में देखने को मिलने वाली है हमें, एंड अरविंद स्वामी MGR के करेक्टर में देखने को मिलने वाले हैं हमें, जो उनके काफ़ी बड़े मेंटर थे बेसिकली जयललिता जी के, MGR। तो दोस्तों, थलाइवी की बात करूँ तो ये हिंदी, तमिल, तेलुगु के अंदर 10 तारीख को रिलीज होने वाली है, बट यहाँ पर हिंदी ऑडियंस के लिए थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग एक न्यूज़ है, क्योंकि तमिल और तेलुगु के अंदर यहाँ पर ग्रीन फ्लैग मिल चुका है फिल्म को, क्योंकि तमिल और तेलुगु के अंदर 4 वीक्स की विंडो मिली है सिनेमाज को, बट हिंदी ऑडियंस के लिए 2 वीक्स की विंडोज मिली है, जिस कारण अभी डिस्ट्रीब्यूटर्स और क्रिएटर यानी कि प्रोड्यूसर्स के अंदर थोड़ी सी नोकझोंक चल रही है इस चीज़ को लेकर। आई होप कि इस हफ्ते में वीरवार तक ये सब कुछ सॉर्ट हो जाए और हिंदी ऑडियंस को भी ये फिल्म देखने को मिले। सो गाइस, थलाइवी स्टारिंग कंगना रनौत एंड अरविंद स्वामी इज गोइंग टू बी रिलीज ऑन दिस फ्राइडे, दैट इज 10th September। एंड नेक्स्ट इन द लिस्ट इज अ सोशल कॉमेडी, क्या मेरी सोनम गुप्ता बेवफा है। 5-6 साल पहले सोनम गुप्ता बेवफा है, ये बहुत ज़्यादा मीम चले थे, क्योंकि नोट के ऊपर किसी ने लिख दिया था कि सोनम गुप्ता बेवफा है, काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता भी होगा। वो बहुत ज़्यादा चर्चा में रही थी चीज़, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड भी की वो चीज़ बहुत लंबे समय तक। सो फाइनली जस्सी गिल एंड सुरभि ज्योति लेकर आ रहे हैं क्या सोनम गुप्ता बेवफा है, ये दोनों ही लीड स्टार्स हैं फिल्म के। सो क्या मेरी सोनम गुप्ता बेवफा है Zee5 के ऊपर 10 तारीख को ही प्रीमियर होगी। और एक और बड़ी खबर यहाँ पर ये है कि ये पैरेलली थिएटर्स के अंदर भी रिलीज हो रही है, जिस कारण बहुत सारी स्टेट्स के एग्जीबिटर्स को यानी कि थिएटर्स ओनर्स को थोड़ा सा ऑब्जेक्शन है कि OTT वाले उनके हिस्से की रोटी खा रहे हैं, तो इस कारण ये भी थोड़ी नोकझोंक में चल रही है, बट फिल्म विल बी साइमल्टेनियसली प्रीमियर इन थिएटर्स एंड Zee5। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट इन द लिस्ट इज अ पंजाबी फिल्म यार अनमुल्ले रिटर्न्स। 2011 में यार अनमुल्ले फिल्म आई थी जो सुपर हिट रही थी, कॉलेज लाइफ हॉस्टल लाइफ के ऊपर थी, 3 दोस्तों के बारे में। उसके बाद 2017 में इसका सीक्वल भी आया था यार अनमुल्ले 2, जहां पर स्टार कास्ट किया थोड़ा छेड़छाड़ किया गया था और उस कारण ये फिल्म बुरी तरह से पिटी थी। बट अब यार अनमुल्य रिटर्न्स ऑलमोस्ट सेम स्टार कास्ट के साथ आ रही है, जहां पर आपको हरीश वर्मा भी उसी करेक्टर में मिलेंगे टिंके के, आपको युवराज हंस भी उसी करेक्टर में मिलेंगे, बट यहां पर आर्य बब्बर को रिप्लेस किया है प्रभ गिल ने। तो यहां पर प्रभ गिल, हरीश वर्मा, युवराज हंस इस बात को देखने को मिलेंगे, और ये भी थिएटर में आने वाली है इस ही फ्राइडे को। सो गाइस, यही है इस हफ्ते का कंटेंट। एज अ रीकैप, 9 तारीख को प्राइम वीडियो के ऊपर आ रही है मुंबई डायरीज, अ वेब सीरीज बेस्ड ऑन मुंबई अटैक 26/11 अटैक। 10 तारीख को थिएटर्स के अंदर आ रही है थलाइवी स्टारिंग कंगना रनौत एंड अरविंद स्वामी इन हिंदी, तमिल एंड तेलुगु। 10 तारीख को ही थिएटर्स के अंदर आ रही है यार अनमुल्य रिटर्न्स, एंड 10 तारीख को ही थिएटर्स के अंदर और OTT पर यानी Zee5 के ऊपर आ रही है क्या मेरी सोनम गुप्ता बेवफा है, स्टारिंग पंजाबी सिंगर एंड एक्टर जस्सी गिल एंड सुरभि ज्योति। तो दोस्तों, ये थी इस हफ्ते की वॉच लिस्ट, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, इट हेल्प यू। तो फिर देर किस बात की है, इफ इट रियली हेल्प यू देन सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियोज के लिए बनी रहेगा द लास्ट रिव्यू के साथ। सो मिलूंगा जल्दी ही, टिल देन बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।